जनाब, रिकॉर्डिंग के साथ ही आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। एक्चुअली मुझे कुछ इशू पेश आ रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरा एक और जो सेशन होता है जिसमें मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो इस वक्त कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई इशू होता है, लाइक अगर आपको स्क्रीन प्रॉपर नज़र नहीं आ रही या रेलेवेंट स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, बिकॉज मुझे यहाँ बार बार स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि मैं कभी मुझसे स्किप हो जाए स्क्रीन को शेयर करना। लाइक अगर हम स्लाइड से चले गए कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर जो स्क्रीन है वो आपको नज़र नहीं आ रही, आपको स्लाइड ही नज़र आ रही है, तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा होपफुली आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। अब चूंकि मुझे वेरीफाई करने का मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, तो मैं आप लोगों पर डिपेंड कर रहूँगा। सॉरी, तो अगर कोई इशू होता है तो आप प्लीज़ मुझे अपडेट कर दीजिएगा। आप लोगों के माइक का कंट्रोल आप लोगों के पास ही है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं किसी भी हवाले से। तो आगाज करते हैं जी आज के सेशन का। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो हमारा फॉर लूप था और एक थे फंक्शंस। यही दो चीजें मेरे ख्याल में किसी हद तक असाइनमेंट से रिलेटेड भी हैं, या इनमें से एक। तो देख लीजिएगा, असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन होपफुली जो कोड होगा फंक्शंस बनाना ये वो, जब हम इनको रेगुलरली देखेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आप बड़ी आसानी से अपनी फाइनल असाइनमेंट भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले फंक्शंस को देख लेते हैं। सॉरी, उससे पहले हम फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है काम कर रहे थे लूप के ऊपर, तो पहले हम लूप वाला सेक्शन कंप्लीट करके उसके बाद फिर एंड में फंक्शन को देखेंगे। तो फॉर लूप, जैसा कि हमने पिछले लूप पढ़े थे, खाली लूप था, फिर उसके बाद वाइल लूप था, तो अभी आ गया फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या करता है? ये भी उसी तरह से किसी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है बार 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 बार। लेकिन इसका जो लूप करने का या उसको बार बार एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इटरेशंस होता है। जो वाइल वाला लूप था या खाली वाला लूप था ना, वो जो खाली लूप था वो तो बस एग्जीक्यूशन शुरू कर देता था, और उसमें ये होता था कि जहाँ पे हम फिर उसके अंदर कोई कंडीशन चेक लगाते थे इफ वगैरह की, और उसकी बेस के ऊपर हम जब कोई खास कंडीशन ट्रू होती थी तो हम वहां से एग्जिट करवा लेते थे लूप से। अगर हम वो एग्जिट स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखें तो वो लूप अनडेफिनेट टाइम चलता रहता था, ठीक है। फिर उसके अंदर एक वाइल आई। वाइल में और लूप में फर्क ये था कि खाली लूप के अंदर कंडीशन हमें एक्सक्लूसिव डालनी पड़ती थी, जबकि वाइल के अंदर वाइल की स्टेटमेंट के साथ ही हम कंडीशन बता देते थे कि जब भी ये कंडीशन अकर हो तो आपने इस लूप को ब्रेक कर देना। अब उसमें क्या था कि वो कंडीशन का कोई फिक्स टाइम नहीं था, वो हो सकता है कि लूप के पहली बार एग्जीक्यूट होने में भी ट्रू हो सकती थी, और मे भी 1000 बार लूप चलता उसके बाद ट्रू होती, मे भी 5000 बार लूप चलता तब ट्रू होती। तो कोई उसके ऊपर डिफाइंड कंपल्जन नहीं थी कि आप इतनी इटरेशन या इतनी बार लूप को चलाने के बाद आपने एग्जिट होना है। लूप के अंदर जो कोड लिखा हुआ होता था उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते थे उनकी वैल्यू को हम जैसे मैनिपुलेट कर रहे होते थे, उस हिसाब से लूप ने कितनी बार चलना है ये डिसाइड होता था। फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर लूप में क्या होता है कि आप डिफाइन कर देते हैं कि लूप ने इतनी बार चलना है, यानी कि जब लूप स्टार्ट होने लगता है या जब आपका कोड वहां लूप फॉर लूप के ऊपर पहुंचता है, तो उस वक्त डिटरमिन हो जाता है कि इस लूप ने इतनी ही बार चलना है, तो फिर वो लूप उतनी बार चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उस कमांड पे पहुंचते हैं जहां से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, तो आप कोई कंडीशन देते हैं वहां पे, ठीक है। उस कंडीशन के बाद जो आपका ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहता है। जो ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उस फॉर के लूप के ब्लॉक से अगली लाइन के ऊपर जो है ना कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, और वहां से ऑनवर्ड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको भी हम पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, या हम चलते हैं सीधा अपने
कोड विंडो के ऊपर, और कोड विंडो पे जाके हम अपनी थोड़ी सी एग्जांपल्स को ना रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन। अगर आपको नज़र ना आए तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं है किसी को? आवाज ठीक आ रही है? मसूद साहब आप बताइए, आवाज ठीक आ रही है आपको? अरे भाई कोई मुझे अपडेट कर दीजिए कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। भाई पहले ठीक थी, सॉरी पहले ठीक थी, आवाज अब खराब हो गई। अब खराब हो गई? फैसल भाई जरा लाउड हो गई है। अच्छा लाउड हो गई है, चले वो मेरे ख्याल में ऑटो ट्यूनिंग कर रहा है, अब मेरे ख्याल में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, जू जू में बोलता जाऊंगा, ऐसा ही है जी? अब ठीक है, चले बेहतर होगा। एक्चुअली मेरे से गलती ये हुई कि कल मैंने अपनी लिनक्स को भी अपडेट कर दिया और उधर से मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपडेट आया हुआ था, मैंने उसको भी अपडेट कर दिया, तो उसके बाद से जो मेरे फ़ोन के ऊपर मैं कनेक्ट हुआ तो वो चल नहीं रहा, इसकी वजह से मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इसको कहता हूँ, वरना मेरे पास एक क्लाइंट कनेक्टेड होता है फ़ोन के थ्रू तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं, सेम मैं भी मतलब उसी तरह से ना वहाँ से रिव्यू करता रहा, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि आप लोगों के पास क्या स्टेटस आ रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा। ओके फाइन, इसमें कोई पुराना कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारी वही एग्जाम्पल फाइल है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाना है फॉर का लूप, तो फॉर का लूप बड़ा आसान है, फॉर यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई सिनेरियो सोच लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम एक से लेके 10 तक कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ भी यानी कि कोई नंबर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो हम क्या करते हैं कि हम अब फॉर के लूप को लगाएंगे जो कि मतलब एक फॉर का लूप बनाएंगे जो कि 1 से 10 तक चले, और फिर उसके अंदर हम ये करेंगे हम प्रिंट एलन करवा लेंगे। ठीक है, इस काम के लिए हम एक मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नम आई इज इक्वल टू 1 फॉर num in 1 डबल डॉट, ये डबल डॉट होते हैं कि अप टू, और हम यहाँ पे चले आपको दिखाने के लिए मैं फिलहाल पहले 10 दे देता हूँ। यहाँ पे हम इसकी फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे, हमने कहा कि फॉर num जो कि नंबर है वो लेके चलाओ फ्रॉम 1 to 10, और क्या करो प्रिंट एलन कर दो जी। एक हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, इसके अंदर हमें एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने कहा कि ये जो नंबर की वैल्यू है ये 1 से लेके 10 तक इसको इटरेट करो, और हर बार इटरेट करने के ऊपर हमने लूप के अंदर लिख दिया कि प्रिंट कर दो। तो इससे पहले कि मैं इसे कंपाइल करूं कौन बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या करेगा और क्या नहीं करेगा जब मैं इसे कंपाइल करूंगा? एनीवन
आयशा आप बताओ ये प्रोग्राम क्या करेगा? चलें ये बता दें कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा या नहीं होगा, यस और नो ओनली? हो जाएगा। अच्छा चलें इसको करके देख लेते हैं। अच्छा अब आपके साथ दोबारा शेयर करनी पड़ेगी मुझे स्क्रीन। जी अब आपको कोड विंडो नजर आ रही है? सॉरी कमांड विंडो, टर्मिनल विंडो नजर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है जी, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और इसने देखें शो किया द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, द नंबर इज 4, द नंबर इज 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर हम कोड पे वापस जाएं तो वहां हमने दिया था कि आप इस प्रोग्राम को चलाएं 1 से 10 तक। अब इसमें फॉर के बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जो उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वो तो इंक्लूडेड होता है, इंक्लूसिव होता है, यानी कि हमने 1 से 10 लिखा तो 1 तो इंक्लूसिव था तो उसने नंबर को 1 किया, 2 किया एंड ऑनवर्ड 3, 4, 5। लेकिन जो आखिरी वाला पॉइंट होता है, जो भी आपने वैल्यू दी होती है, वो इंक्लूसिव नहीं होती, उसकी वजह से उसने 10 के बजाय 9 तक चलाया। जो ही इसकी वैल्यू 10 हुई उसने लूप को ब्रेक कर दिया। तो अगर हम टोटल 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 1 का इजाफा करना पड़ेगा। हम 1 से लेके 11 तक इस लूप को चलाएंगे। सेव कर दिया। अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल विंडो के ऊपर वापस। यहाँ हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं तो देखें अब हमने उसको चूंकि वहां पे लूप को 11 तक चलाया तो अब इस प्रोग्राम ने 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। तो जब भी आप कभी किसी जगह पे इक्वेशन लगा रहे हो इस हवाले से कि 1 to 10 या लाइक दैट, तो उस वक्त आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि उसका जो एंडिंग वाला आर्गुमेंट होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो अगर आपने सपोज 1 से लेके 100 तक आपने लूप को चलाना है तो आप वहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो 1.101 देंगे, तब ये 100 तक वाला काम करेगा। वरना जो ही उसकी वैल्यू 10 की इक्विवेलेंट होगी तो वो बगैर लूप के अंदर जाए एग्जिट कर जाएगा और आपकी जो आखिरी वैल्यू है वो एवेल्युएट होने से या यूज होने से लूप के अंदर रह जाएगी आखिरी वाली इटरेशन। तो एक तो ये ख्याल आपने रखा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सादा सा एक लूप था कि जिसके अंदर हमने वापस आते हैं अपने कोड के अंदर, इसके अंदर हमने क्या किया ये देखिए सबको कोड नजर आ रहा है। तो इसमें हमने ये किया कि हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया, उसकी उसकी जो वैल्यू है उसको 1 से लेके 11 तक इटरेट किया और उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के लिए हम इस पर कुछ भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज 2 का टेबल प्रिंट करवाना चाहें तो देखिए देखिए थोड़ी सी मैंने इसके प्रोग्राम के अंदर चेंज लाई और मैं चाह रहा था कि मेरा जो प्रोग्राम है ये 2 का टेबल प्रिंट करना शुरू कर दे। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 को एज इट इज प्रिंट करवाया, फिर एक एक्स प्रिंट करवाया, एक्स जो हमारा वो मल्टीप्लाई का साइन होता है एक्स, उसके लिए मैंने एक्स को यूज कर लिया, एक्स करेक्टर को। फिर मैंने कहा यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट कर दो। नम की वैल्यू क्या है? जाहिर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रही है। और यहाँ दूसरे वाले वेरिएबल में क्या प्रिंट करूँ? 2 into num, कि नम की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी उसका जवाब आता है उसको यहाँ पे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन में प्रिंट कर दो। तो हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दूं टर्मिनल।
ये देखें अब इसने हमारे सामने उसी लूप ने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया, तो देखें 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। अब यहाँ पर ये जो 1, ये 2, ये 3 है, ये वो नम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो जो 1 by 1 एड हो रही है इटरेशन की वजह से, और यहाँ पे मैंने वही नम इंटू 2 कर दिया है। तो देखें जब नम की वैल्यू 1 थी तो 2 into 1 2 हो गया, फिर नम की वैल्यू 2 हो गई तो 2 into 2 4 हो गया, नम की वैल्यू 3 हो गई 3 into 2 6 हो गया। तो देखिए हमने सिंपली जरा सी चेंज लाने के बाद वापस चलते हैं कोड के ऊपर, उसी एक प्रिंट की लाइन में जरा सी चेंज लाने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सादे से प्रिंट एलन की स्टेटमेंट को एक 2 का टेबल प्रिंट करने वाली कोड में। इसी तरह से हम कुछ भी इसमें प्रिंट करना चाहें, लाइक अगर हम यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करना चाहें, यहाँ पे हम 2 जगह सिर्फ इसको चेंज लाएंगे, ठीक है, सेव करेंगे और वापस जाके शेयर करते हैं आपके साथ स्क्रीन अपने टर्मिनल की। ये देखिए अब इसने 5 का टेबल प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब सिंपल सा कोड था और सिंपल सी प्रिंटिंग थी। तो फॉर के लूप को हम इस तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हम इस किस्म के कंट्रोल्ड नंबर ऑफ इटरेशन के अंदर रहते हुए लूप को चलाना चाह रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपनी लेक्चर स्लाइड की तरफ और यहाँ आके देखते हैं कि मजीद क्या कुछ है इसके अंदर। अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम चला था, ये चला था 1 to, सपोज हमने 10 दिया था या 1 to 11 दिया था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला था। कई बार ऐसा होता है, आपने लाइक देखा होगा कि जब कोई इवेंट अगर होने लगता है टीवी वगैरह के ऊपर पास प्रोग्राम्स में, तो वो रिवर्स काउंटिंग करते हैं कि जी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। तो अगर आपके प्रोग्राम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप 1 2 3 4 नहीं 4 3 2 1 यानी कि रिवर्स में जो है काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, कमांड कोड सारा कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपने ये वाला काम करना है जो आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है कि वही वो जो आपने 1.11 या 1.4 जो भी लिखा था उसके पीछे और आगे ब्रैकेट दें और उसके बाद .rev और ये ब्रैकेट ये फंक्शन को शो कर लें, उसके आगे रिवर्स का ना इसका वो जो फंक्शन है वो कॉल कर लें, ठीक है। तो यही सेम प्रोग्राम रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के कोड की तरफ। और अभी ये प्रोग्राम जो भी हमने बनाया था और हमने देखा था कि ये 5 का टेबल प्रिंट कर रहा था, 5 ones are 5, 5 twos are whatever, तो उसको अब हम चाहते हैं कि ये उल्टा चलना शुरू हो जाए, यानी कि 5 tens are 50, 5 nines are 45, 5 eights are 40, इस तरह से चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने इस लूप की बाउंड्री सेट की है 1 से 11 या whatever, इनको हम एक ब्रैकेट में लेके आएंगे .rev और उसके आगे फिर ब्रैकेट का साइन लगा देंगे स्मॉल वन, ठीक है। तो सिर्फ ये चेंज करने से इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये अब 10 to 1 चलना शुरू हो जाएगा। पहले प्रोग्राम 1 to 10 चल रहा था, अब ये 10 to 1 चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को पहले करते हैं सेव, और सेव करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टर्मिनल विंडो। ठीक है, ये देखिए, ये था हमारा प्रोग्राम जो 1 to 10 चल रहा था, ठीक है, जो हमारी पुरानी रनिंग जो पुरानी हमारी कंपाइलेशन थी वो सामने आई हुई है। हम इसको क्लियर करते हैं, और चूंकि हम कोड में चेंज कर चुके हैं तो हम दोबारा से जब कार्गो रन करेंगे तो अब आप देखें वो .rev लगाने से क्या हुआ है। अब सबसे पहले 5 into 10
5 × 9, 5 × 8, 5 × 7, 5 × 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये वही से काम शुरू हो गया कि ये रिवर्स में इसने जो है ना मतलब वैल्यूज को लेके मैनिपुलेट करना और इटरेशन को इनके रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब हम इस प्रोग्राम को इस टेबल से फिर वापस मजीद सादगी की तरफ ले जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं भाई, तुम ऐसे करो कि सिर्फ हमें रिवर्स में सिंपल वैल्यूज प्रिंट करवा दो। सेव कर लिया हमने, कोड में आपको भी दिखाता हूं, जस्ट 2 मिनट होल्ड करें। तो ये देखें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम अब रिवर्स में वैल्यूज प्रिंट करना शुरू कर दी है इसने। मैं आपको एक कोड दिखा देता हूं, ये देखिए, मैंने सिर्फ चेंज ये किया था कि वो जो हमने एक्स्ट्रा 5x नाम वगैरह की वैल्यू थी उनको मैंने खत्म करके आपको एक सिंपल सा एक प्रिंट एलन की स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे ले आया था। अच्छा, अभी सयाम शायद आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सयाम, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप काइंडली एग्जिट हों, वापस रीज्वाइन करें सेशन को, और ज्वाइन करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपको एक ऑप्शन आएगा कॉल यूजिंग डिवाइस ऑडियो, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आपका माइक इनेबल हो सके। आपका अभी तक माइक इनेबल नहीं है, इसका मतलब है कि आपने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आप इन्हें हैंड भी रेज किया था, और मसूद साहब आप या कोई और स्टूडेंट जो है वो ग्रुप पे मैसेज कर दे कि वो तमाम नए स्टूडेंट जिन्होंने शायद आज पहली बार ज्वाइन किया है, वो जिस वक्त मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन करते हुए ऑप्शन जब उनके पास आता है मीटिंग ओपन होने के बाद कि कॉल यूजिंग या ज्वाइन यूजिंग डिवाइस ऑडियो, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि उनकी ऑडियो इनेबल हो सके। मेरे ख्याल में एक हमारे साथ भाई हैं, शायद ये नए आए, उनकी शायद ऑडियो इनेबल नहीं है अभी तक, ये बार बार हैंड भी रेज कर रहे थे। अगर आप सयाम, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप काइंडली ये वाला ऑप्शन खुद से ही सिलेक्ट कर लें कि आप एग्जिट हो जाएं, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें, और ज्वाइन करते हुए कॉल यूजिंग या ज्वाइन यूजिंग डिवाइस ऑडियो वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जनाब, ये था हमारा सिंपल सा फॉर का लूप। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखा, 1 से 10 तक, या 1 से जहाँ तक हो, जितना आप वैल्यू देंगे उतना चल पड़ेगा। और फिर हमने इसकी रिवर्स फॉर्म देखी, अगर हम इसको रिवर्स में लूप को लेना चाह रहे हैं तो कैसे लेंगे, उसके लिए हमें .rev ऐड करना पड़ता है, जैसा कि आपके सामने कोड में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सा फॉर लूप, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रिवर्स वाला। स्लाइड के ऊपर आ गए, अच्छा अब है इटरेशन। देखिए, हमने एरे भी पढ़े, तो एरे में ना नॉर्मली होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बना लिया, चलें यही वाला प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमने एक एरे बनाते हैं और उसको फॉर लूप से ना उसको हम एक्सेस करवाते हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, हम एक एरे बना लेते हैं जिसके 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है जी, हमने एक सिंपल सा एरे बनाया और हमने किया ये कि हमने उस एरे के अंदर मतलब पांच एलिमेंट डाल दिए, 1 2 3 4 5 नाम नाम का एरे है, और हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स, उसको हमने कहा कि आप 0 से 5 तक ट्रेड करो। 0 से 5 तक इसलिए कि आपको पता है कि इंडेक्स की जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे, 2 3 4। तो हमने उसे कहा कि प्रिंट एलन कर दो लूप के अंदर कि नम ऑफ वट एवर वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है उसका जो भी इंडेक्स है नम का, वो वाला प्रिंट कर दो। जब हम पहली बार लूप चलेगा एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो नम एरे के 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू सेव है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट इटरेशन में एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नम एरे के 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू सेव है वो प्रिंट होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी टर्मिनल वाली। तो यहाँ पे हम कार्गो रन करते हैं, तो देखें इसने 1 2 3 4 5 उस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो 1 by 1 प्रिंट कर दी। ठीक है, वापस आते हैं कोड के अंदर। अब यहाँ पे ना गलती होने का इहतमाल है हमसे, मतलब चांसेस हैं अगर हम इसी कोड को ऐसे लेके चलते रहें तो गलती कर सकते हैं। गलती ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे से एक एलिमेंट ख़त्म कर दिया नम के अंदर से, ना अब 4 एलिमेंट रह गए। ठीक है, यहाँ से तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन नीचे वो जो कोड है ना वहाँ मैं चेंज करना भूल गया कि जो लूप है उसकी भी वैल्यू मैंने एक कम करनी थी, क्योंकि ऊपर अब एरे के एलिमेंट्स कम हो गए। तो नीचे भी मुझे चाहिए था कि 0 से लेके पहले 5 तक था, अब 0 से लेके मैं 4 कर देता इसको ना, फोर की जो एग्जीक्यूशन हो रही है। लेकिन सपोज मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने नीचे चेंज नहीं लाई। अब जब मैं इस तरह से किए गए कोड को जिसके अंदर मेरा एक एरर इंड्यूस हो गया है मेरी अपनी गलती की वजह से, जब मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो देखें ये प्रोग्राम चला, इसने 1 2 3 4 बिल्कुल प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद पांचवें वैल्यू को जब इंडेक्स के ऊपर प्रिंट करने की कोशिश की तो एरे के अंदर तो पांचवा एलिमेंट था ही नहीं, एरे तो कंसिस्ट ही 4 एलिमेंट्स पे कर रहा था। तो यहाँ पे जो आपका रस्ट का जो कंपाइलर है वो पैनिक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास रन टाइम एरर एक जनरेट हो गया, जो कि बता रहा है आपको, ये देखें 4 तक उसने बिल्कुल ठीक प्रिंट किया, उसके बाद कमांड के मुताबिक तो वो गया और उसने एरे के अंदर पांचवा एलिमेंट तलाश करके उसको प्रिंट करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो पांचवा एलिमेंट था ही नहीं, तो उसने एरर दे दिया कि द लेंथ इज 4 बट द इंडेक्स इज 4। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्चुअली एरे की लेंथ तो 4 थी, बट आपको पता है कि जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो जो उनकी इंडेक्स की वैल्यू बन रही थी वो 0 1 2 3 बन रही थी। ठीक है, तो जब वैल्यू 4 हुई और वो एरे के पास गया और उसने कहा कि मुझे एरे में से अपना 4 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो भी डाटा पड़ा है वो उठा के बताओ, तो वहां पे तो एक्चुअली 4 नंबर जो एरे का एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, और एग्जिस्ट ना करने की वजह से क्या इशू हुआ कि वो पैनिक हो गया कर्नल और जो भी इसका रस्ट का कंपाइलर था, और उसने में रन टाइम एरर दे दिया। ठीक है, तो अब हम वापस जाके कोड में देखते हैं कि ये वाली जो प्रैक्टिस ऑफ द कोड है स्पेशली एरे मैनेजमेंट के हवाले से, ये थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक कैसे, कि इसके अंदर ह्यूमन एरर आने का इहतमाल है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, जिस तरह कि हमारे केस में हुआ कि हमने पहले 5 एलिमेंट्स रखे थे एरे के और फिर हमने 0 से 5 तक वो चलाई अपना फॉर का लूप, तो बिल्कुल ठीक चल पड़ा, लेकिन बाद में हमने गलती से एक एलिमेंट को ख़त्म कर दिया, लेकिन नीचे जो एग्जीक्यूशन हो रही है लूप हो रहा है उसको हम चेंज करना भूल गए, तो उससे क्या इशू हुआ कि अब वो प्रोग्राम जो है उसने एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये जो हमारा रस्ट है ये एरे मैनेजमेंट के हवाले से एक स्पेशल फंक्शन देता है, जैसा कि अभी हमने रिवर्स का फंक्शन देखा था, हमने डॉट आर ई भी लगा दिया था, तो उसने क्या किया कि उसने
उन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लेना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक फंक्शन होता है आई टी ई आर इटरेशन का, कि अगर हम उसको किसी एरे डॉट आई टी ई आर दे दें तो उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वन बाय वन बाय वन उस एरे के अंदर से एलिमेंट्स पढ़ पढ़ के आपको प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे और कोड करेंगे तो आपको शायद बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा। हमारा वही नम नम का एरे है और यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एक्स इन, अब ये जीरो से फाइव की जगह हम कहते हैं नम डॉट आई टी ई आर और आगे ये वैल्यू लगा देते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी वेरिएबल प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे हुआ गया हमारे साथ। तो हम चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो की तरफ। और इसको रन करके देखते हैं तो देखें इसने 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है, और बगैर किसी एरर के ये एग्जिट भी हो गया। वापस जाते हैं अपने कोड में। सपोज मैं यहाँ पे चार और वैल्यूज डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नीचे कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको सिंपल सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं टर्मिनल में जा रहा हूँ और टर्मिनल में जाके जब मैं कार्गो रन करता हूँ तो देखिए उसने अब चार एलिमेंट और ऐड हो गए थे तो उसने चार मजीद एलिमेंट के हिसाब से अपने फॉर के लूप को रन कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि इस इटरेशन वाले फंक्शन ने कारनामा क्या अंजाम दिया। ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नम नाम का एरे बन रहा है और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, वो 1 2 5 8 10 जितने भी एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट होंगे। उसके बाद फॉर के लूप में क्या हो रहा है कि हमने कहा कि एक वेरिएबल लो एक्स और उसको हर बार लूप में तब तक चलाते रहो और जितनी बार वो एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हर बार चलने के ऊपर एक एक उस एरे के एलिमेंट को इटरेट करते रहो, यानी कि वन बाय वन शुरू से लेके एंड तक एरे के हर आइटम के ऊपर आप जाओ और वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको एक्स में सेव कर दो, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये क्या करेगा कि ये वो जो नम नाम का एरे है, ठीक है, उसकी उसको शुरू से पढ़ना शुरू करेगा। तो जो ही ये लूप फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो वो जो हमारा फॉर का लूप है वो इस वाले जो वन नंबर वाली वैल्यू है इसके ऊपर पहुंच जाएगा, पहले एलिमेंट पर पहुंच जाएगा और इसको उठा के एक्स में कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर जब हम प्रिंट एलन एक्स करवाएंगे तो यहाँ पे वन कॉपी हो जाएगा ये वाला। फिर जब ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो अब ये एरे के सेकेंड एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इटरेशन। और ये इटरेशन क्या करेगी कि उस सेकेंड एलिमेंट को एक्स के अंदर कॉपी कर देगी। फिर हम प्रिंट एलन करवाएंगे तो टू कॉपी हो जाएगा बिकॉज सेकेंड नंबर एलिमेंट में टू पड़ा हुआ था। फिर इसी तरह से जब थर्ड टाइम ये इटरेशन चलेगी तो इटरेशन जो कंट्रोल है वो एरे के थर्ड एलिमेंट में ले आएगी और उसको उठा के एक्स में कॉपी कर देगी। और फिर जब हम प्रिंट करवाएंगे एक्स को तो वो थ्री प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को मैं अब देखेंगे, थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूँ आप लोगों के जरा मजीद समझने के लिए। इनको मैं 1 2 3 की जगह ना 10 20 30 कर देता हूँ ताकि आप जरा बेहतर तरीके से समझ सकें। वहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब हम जाते हैं और कोड को चलाते हैं तो देखें अब ये 10 20 30 40 कर रहा है, ठीक है ना। तो वो अगर आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन पेश आ रही हो कि 1 2 3 और 1 2 3 प्रिंट भी हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब इटरेशन स्टार्ट होगी तो ये यहाँ पहुंच जाएगी पहले एलिमेंट पे। पहले एलिमेंट में 10 लिखा हुआ था, 10 को x में मूव कर देगी और यहाँ पे x से प्रिंट होगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब दोबारा लूप यहाँ कंट्रोल वापस आएगा तो ये सेकेंड इटरेशन जो है एरे के सेकेंड एलिमेंट के ऊपर कर्सर को ले जाएगी, कोड को ले जाएगी, कंट्रोल को ले जाएगी और जो 20 की जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी है जो कि 20 है वो x में मूव हो जाएगी और x प्रिंट होगा। फिर तीसरी इटरेशन पे जब आएगा तो ये एरे के थर्ड एलिमेंट में पहुंच जाएगा, वहां जो वैल्यू दी है वो x में मूव होगी और प्रिंट होगी। सो ऑन होते होते ये एरे के इस एलिमेंट में पहुंचेगा आखिरी वाले एलिमेंट पे, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू को एक्स में कॉपी करेगा और प्रिंट करेगा तो 80 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये दोबारा से इटरेट कर